बल्कि पबजी में भी आई थी ना। ये शाह मदरीस है। Yeah, I am actually making a vlog. Subscribe to him. Yeah, can I use your clip in my video? Of course you can. यार ये सीन देखो यार, ये भी पुलिस है, घोड़े पे बैठी हुई है, ये इशारा बंद है, इस वजह इधर रुके हुए हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू न्यू व्लॉग, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको एक और वीडियो में खुश आमदीद। सबसे पहले तो यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यार आज 14 अगस्त का दिन है और बड़ा ही अजीम दिन है। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं 14 अगस्त के बारे में, क्योंकि यार कुछ इकबाल के शहीनों को नहीं पता कि 14 अगस्त के दिन क्या हुआ। जैसा कि ये मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ। 14 अगस्त को नवाज शरीफ की सालगिरह है जी, की सालगिरह है। चलें ये बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ। खजा संपेदा तो यार 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 में हमारा प्यारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बना, जो कि हमारे अजीम लीडर्स और उनके अजीम जद्दोजहद का नतीजा था, जिनमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और लामा इकबाल रहमतुल्लाह और सर सैयद अहमद खान और लियाकत अली खान रहमतुल्लाह और बहुत से शहदा कराम शामिल हैं, जिनका नाम तो नहीं है लेकिन इस अजीम जद्दोजहद में हिस्सा ज़रूर था, जिनमें लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने मुसलमानों को अपनी शायरी के जरिए बेदार किया और बाकी लीडर्स ने भी अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया और इन सब के नतीजे में दुनिया के इस खित्ते को पाकिस्तान का नाम मिला। और ये था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन अबाउट 14 अगस्त। अभी यार मैं आपसे ना लास्ट वीडियो वाले से कुछ बात करना चाहता हूँ, उसमें ना एक दो मैंने सीन ऐड कर लिए थे जो कि नामुनासिब थे और मेरी वीडियो का हिस्सा बने, जिसमें यार आपको एक सीन देखने को मिलेगा कि डाउनटाउन में एक बंदा, एक आदमी सरेआम ही वॉशरूम कर रहा था, उसको भी मैंने सीन में कैप्चर कर लिया। चेक कर सकते हैं ये सड़क पे पियानो जा रहे हैं, इसको लोग आपने अगर पैसे देने हैं तो दे सकते हैं, वैसे मांग नहीं रहा और वो देखे वो आपको वहाँ पे मूर्ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा सीन आपको मिलेगा कि हम लास्ट टाइम जब दो स्टेशन आगे आगे थे, उसके बाद जब वापसी ट्रेन पकड़ी थी, मैंने ना टिशू अंदर से पकड़ लिया, क्या नाम है, ट्रेन से ना मैं टिशू पकड़ लिया वापसी पे आने के लिए, दो घंटे वेट किया है तो गाइस अभी टिशू ही पकड़ लेते हैं। ये मिंट मार्गनीटा भी आप इधर देख सकते हैं, तो टिशू गैप करते हैं क्योंकि यार मैं जस्ट फॉर फन कर रहा था, लेकिन यार फन चलता रहेगा लेकिन अच्छे अखलाक में होना तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़ा आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टिशू वैसे मैंने वापस तो रख दिए थे, वीडियो भी बनाई थी लेकिन ना वो डिलीट कर दी, नहीं तो आपको दिखा देता इस वीडियो में। तो यार जस्ट चिल करो, खाओ पियो, एंजॉय करो और इस वीडियो को इग्नोर करो, बल्कि यार इग्नोर ना करो, देखो लेकिन हेट कमेंट ना करो बस। वैसे यार एक और चीज़ है कि यार दिखाना तो चाहिए था, क्योंकि ना उसको भी पता चले कि सरेआम नहीं यार इस तरह करते, वीडियो भी बन जाती है, कैमरे की आँख देख रही है, लेकिन यार यार किसी की प्राइवेसी रिस्पेक्ट होती है, अपनी भी रिस्पेक्ट कायम करो और दूसरों की रिस्पेक्ट कायम करो, तो यही चीज़ है। बाकी यार मैंने अपने भाई को नहीं दिखाया, ये भी मेरे साथ ही आ रहा है, तो बस आनस अभी चले टीम मोटन कॉफ़ी पीने पहुंच गए और पूछ रहे हैं। हाँ बल्कि पहुंच गए हैं यार, पहुंच गए हैं आनस, इसको टॉप लेते हैं हम। तो यार टीम मोटन फाइनली पहुंच गए हम, अभी इधर से कॉफ़ी और डोनट्स वगैरह पकड़ेंगे। तो टीम मोर्टन के वाले से अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टीम मोर्टन जो है ना, आपने कनाडा का नाम सुना होगा तो टीम मोर्टन का ज़रूर सुना होगा था, यहाँ पे आपको टीम मोर्टन की दुकान कनाडा में जगह जगह में मिल जाएगी, यहाँ के कॉफ़ी और डोनट बहुत मशहूर हैं। लास्ट टाइम हम ना पढ़ रहे थे कैनेडियन फूड के बारे में, जिसमें टीम मोर्टन का पहले नंबर पर नाम था, हमारा ना लेक्चर हो रहा था जिसमें उन्होंने ना टीम मोर्टन की कॉफ़ी और डोनट को रखा हुआ था, कि यहाँ के लोग ना ज़्यादातर इधर ब्रेकफास्ट इनका यही होता है इस दुकान से ही, लोग टिम होटल की कॉफ़ी और डोनट वगैरह ना बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कईयों का तो यार अगर कॉफ़ी ना पिए दिन ही नहीं गुजरता सही तरह। गर्मियों में लोग यहाँ से आइस कैप पीते हैं, जो कि आप कॉफ़ी का एक गोला ही समझ लें, और दूसरी जगह सर्दियों में ज़्यादातर लोग आपको इधर से कॉफ़ी, गर्म हॉट कॉफ़ी नहीं होती, वो पीते हुए नज़र आएंगे। अभी हम भी चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं, फिर इधर कॉफ़ी पकड़ लेते हैं और आगे का फिर सीन बनाते हैं। अनस आ जाओ यार क्विकली क्विकली, यहाँ बटन प्रेस करो। चलो एंटर हो। हाउ आर यू सर, कैन आई गेट
टू कॉफी, वन कॉफी ले लेना। नहीं मैं भी पीनी है, टू दे। अच्छा टू मीडियम कॉफी एंड वन डोनट। कौन से वाला डोनट? ये वाला डबल चॉकलेट डोनट। डबल चॉकलेट या अनस ये बिस्किट ले लें, चॉकलेट चांग। नहीं यार सॉरी इधर वेट करते हैं यार, अभी ना आ रहा है ना फ्रेंच वनीला कॉफी में थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए इधर उन्होंने कहा 10 मिनट वेट करोगे फिर होएगा, तो मैंने कहा स्कैप करवा लेते हैं। स्कैप ठीक है ना? ठीक है यार, गर्मी है यार। वो चॉकलेट चंक कुकीज यार इधर से क्यों नहीं पकड़ रहे? इधर से तकरीबन कितने के मिलते हैं? इधर से $6 के दो। हाँ वहाँ से $4 के दो। अच्छा अच्छा, तो फर्क क्या है? सही है कि वो फर्क बस एक ही है, ये वाला साइज में थोड़ा बड़ा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, उधर से ना वॉलमार्ट से फिर पकड़ती है ये चॉकलेट चंक, ये जो कुकीज है ना ये बता रहा है भाई, पता नहीं कल ट्राई किया इसने, वहाँ से पकड़ते हैं अभी। अनस पर्स पकड़ो, उन्होंने वो ऑर्डर तैयार करके रखा हुआ है, हम इधर बैठे हुए हैं। सॉरी सर, यार ये सब पकड़ो यार, हम उधर बैठे हुए हैं, यहाँ ऑर्डर तैयार हुआ पड़ा है। यार ये हमने पकड़ा है यहाँ से ना आइस कैप जो आपको बता रहे थे, वैसे कॉफ़ी लेने का इरादा था लेकिन इधर ही बैठ के ना खा पी ले। चलो ये इधर मैं रख लेता हूँ, साथ ये डोनट आपको दिखा देता हूँ। इधर के ये जो डोनट्स है ना ये, और ये कॉफ़ी जो है ये भी बहुत मशहूर है, ये डोनट्स है। अभी इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, ये आपको डबल चॉकलेट नज़र आ जाएगी, ये ऊपर न्यूट्रेला ही लगाया होगा बस इन्होंने ना। बस यार आप भी ट्राई करो यार, आपको पाबंदी लगाई है इन्होंने। मज़ेदार। अभी कॉफ़ी भी थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, ये यार ठंडी बहुत है, इसको ना राम राम से पीना पड़ता है। ये इनका सारा ना मेन्यू है इधर स्वीट्स का ना, इधर आपको डोनट और डोरा केक देखने को मिल जाएगा, और डिफरेंट किस्म की स्वीट्स हैं इधर। अनस आ जाओ चले यार, अनस आ जाओ। ये वॉशरूम की जगह यार, यहाँ पे बॉय वॉशरूम बंद है और वुमेन वॉशरूम भी खुला हुआ है। अनस इसे प्रेस करो, देखो प्रोटोकॉल दे रहे हैं मुझे ना, बटन पुश करेंगे खुद ही खुल जाएगा। चलो यार इसने खोल दिया, ये अभी ना इसको साथ साथ ही पी लेते हैं, काफ़ी देर ना अंदर बैठे रहे अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है यार, ये बातें छोड़ो यार, उर्दू बताओ मेरी कैसी थी, है कि नहीं जेन्युइन और हाई स्टैंडर्ड। अभी वॉलमार्ट पहुँच गया, इधर से बिस्किट पकड़ते हैं जो पीछे देखे थे ना, तो यहाँ से बिस्किट पकड़ के फिर आगे का प्लान बताते हैं आपको। अरे जल्दी आ जाओ यार, हाँ यार इधर फेंक देना यार, क्या हो गया ये यार, बड़ा हुआ है। अच्छा रहने दो, मैं बाद में पकड़ लेता हूँ। ओ ये वाले, वाह ये तो सेम ही है, बड़ी कैटेगरीज में मिल जाएंगे। ये कितने का भला? $4 का इधर लिखा हुआ। अच्छा $4 का, और वहाँ पे कितने के मिल रहे हैं? दो, वहाँ $6 के दो, और ये कितने हैं यहाँ पे? पाँच और दस, नौ है यहाँ पे, नौ मिल रहे हैं $4 के, वहाँ दो मिल रहे हैं $6 के। तो इधर से ही पकड़ते हैं फिर, ये पकड़ लो फिर। चलो अरे एग्जिट कहाँ पे? चलो यार इधर से निकल जाओ, निकलो निकलो निकलो, आ जाओ आ जाओ अनस, यहाँ से नहीं यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से आओ। चलो यहाँ से मिल जाएगी। चलो ये इस तरह ना लिफ्ट, अगर आपने सामान पकड़ना है ना तो इस तरह आ सकता है। आ जाओ इधर से, इधर से आ जाओ मेरी जान यार, ये शॉर्टकट है यार, शॉर्टकट है। चलो यार शॉर्टकट कर लो, तैयार किया करो। फाइनली यार बिस्कुट वगैरह भी ले लिए हमने, ये तो यार ख़त्म नहीं हो रहा यार, इसे हमने फेंक देते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। खाना ज़ाया कर रहे हो यार,
बिस्किट वगैरह तो पकड़ लिए, तो आपको एक चीज़ बताना बोल गया कि हाउ टू सेलिब्रेट 14 अगस्त इन कैनेडा, के 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है कैनेडा में। इसी सिलसिले में ना यार इधर मिसिसागा में और एजेक्स में और क्या नाम है क्या जरार स्ट्रीट में एक फंक्शन मुनक़द है जहाँ पर इंशाल्लाह हम भी शिरकत करेंगे और इस फंक्शन का हिस्सा बनेंगे, तो अभी इंशाल्लाह तैयार श्यार होके जाते हैं उधर। इधर इस तरह ही सेलिब्रेट की जाती है जो भी त्यौहार आए ना, जैसे 14 अगस्त है तो इसी वाले से फंक्शन। यार एक तो ना यार मैं पता भी है वीडियो बना रहा हूँ, ये फुल म्यूजिक लेकर जा रहा है, फुल म्यूजिक लगाया होगा इसने गाड़ी में। और यार मैं कहाँ पे था अनस, ये वहाँ पे यार क्या हो, ओ ब्रदर टेक केयर, वो भी घूम के जा रहा, उसने बीच में ही मारनी थी यार, मेरा सारा ना मूड खराब कर दिया यार, तो थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा वाला मैं बता रहा था तो किसके मैं, हाँ 14 अगस्त को यार इसी हिसाब से ना यहाँ पे फंक्शन होता है और लोग ना गैदरिंग करते हैं डिफरेंट जगह पे, जैसे आज मिसिसागा में और साथ एजेक्स में जरार स्ट्रीट में आज गैदरिंग होगी और वहाँ पे मिलके लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज मैंने सुना था क्रूज शिप्स भी है उसमें डिफरेंट, आपको एक क्रूज शिप आज एक मिलेगी वो भी डेकोरेशन करके ना उधर पूरा दिन वहाँ पे आपने अगर 14 अगस्त मनानी है तो वहाँ पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट लोग आएंगे वहाँ पे और सारा दिन उधर सेलिब्रेशन में लगेगा क्रूज शिप के अंदर ही। $80 की टिकट आई थिंक, तो आप जाके वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। इधर के लोग ना इसी तरह डिफरेंट त्यौहार जो भी त्यौहार आ रहा है ना तो मिलके मनाते हैं, किसी जगह पे फंक्शन कर लेते हैं उधर ही ना मिलके वो स्पेंड करते हैं, फिर आपको फील नहीं होता कि आप कैनेडा में हो, तो अपना अपना ही फील होता है फिर ना। इधर फ्रीडम है, आप जो मर्जी ना अपने हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से जो मर्जी आप कर सकते हो, बस कानून के दायरे के अंदर रह के। अभी चलते हैं इंशाल्लाह, अभी आपको दिखाते हैं किस तरह इसी 14 अगस्त के वाले किस तरह यहाँ पे फंक्शन होता है, इंशाल्लाह वहाँ पे गैदरिंग होएगी तो आपको दिखाएंगे क्या क्या वहाँ पे फंक्शन होता है। अभी अनस मिसिसागा जाएंगे ना हम, चलेंगे यार जहाँ पे ज़्यादा रश हुआ, हाँ मिसिसागा चलते हैं इंशाल्लाह। चले आपको यार अभी नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद के करीब ही आ गए हैं, असर का टाइम होने वाला है, तो नमाज पढ़ के आपको फिर मिलते हैं तैयार श्यार होके